are watching Delhi News. राज ठाकरे ने आज मिनिस्टर दादा भोंसले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गवर्नमेंट का टोल को लेकर 2026 तक कुछ एग्रीमेंट है, जिसके चलते टोल माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत कुछ सुधार हो सकते हैं। टोल को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि टोल बूथ पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिस पर सरकार की और पार्टी की नजर रहेगी कि कितनी गाड़ियां आती जाती है और अंदाजन कितना टोल वसूला जाता है। राज ठाकरे ने बताया कि टोल के पास की सुविधाएं भी बदली जाएगी। सभी टोल बूथ के आसपास 10 मेल और 10 फीमेल वॉशरूम, टॉयलेट बनाए जाएंगे, एम्बुलेंस, फर्स्ट एड फैसिलिटी और इमरजेंसी पड़ने पर कई जैसी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलिस्तीन और इसराइल युद्ध को लेकर मुमरा के सामाजिक लोगों ने की DCP से बातचीत। न्यूबॉर्न बेबी को बैंड्रा मीठी नदी में फेंकने वाली महिला और एक शख्स का पता लगाया दादर पुलिस ने। नाबालिग लड़की से शादी करना जुर्म, मानकोट पुलिस ने 22 साल के लड़के को किया गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जा रहे पैसेंजर के लगेज से मिला 2 जिंदा कारतूस, सहार पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। नवी मुंबई के जूही नगर लोकल रेलवे स्टेशन की प्रमाइसिस में दिखा 15 फीट लंबा पाइथन सांप, स्नेक रेस्क्यूअर ने किया सांप को रेस्क्यू। स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों ने किया BMC का विरोध, गोवंडी जाकिर हुसैन नगर से आया मामला सामने। 16 MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन मामले में महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर के कामकाज पर नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट। शिवाजी महाराज के वाघनाग को लेकर आदित्य ठाकरे के दिए गए बयान का विरोध जताया भारतीय जनता युवा मोर्चा ने। पेंगुइन सेना हाय हाय के नारे लगाए, पुतला बनाकर चप्पल से मारा। DRI मुंबई ने गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया, 5 फॉरेनर सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 2.1 kg गोल्ड और कैश USD किया बरामद। इसराइल हमस वॉर के बीच इसराइल में फंसे 212 इंडियंस की पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची ऑपरेशन अजय के तहत, और भी फंसे हुए लोगों को इंडिया लाने के लिए गवर्नमेंट कर रही है तैयारी। IMD ने जारी किया हीट अलर्ट, मुंबई थाने कल्याण पालघर एरिया में 72 घंटे में टेम्परेचर हाई हो सकता है 37 से 38 डिग्री। मुस्लिम लड़के पर केस दर्ज, फिलिस्तीन के सपोर्ट वाले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, कर्नाटका से आया हैरान कर देने वाला मामला। बुल्टाना में सिंगल लोगों ने किया अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट, हमारी शादी करवाओ सरकार से लगाई गुहार। मुंबई DRI ने 3 फॉरेन पैसेंजर्स को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 5,68,00,000 की कोकीन ड्रग्स हुई बरामद, रेक्टम और सेमेट्री पैड में छुपा कर ला रहे थे कोकीन। ये बहुत गंभीर है, राज्य में कानून व्यवस्था चुरमरा गई है और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर हो गया है, वुमेन सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी पर बोले शरद पवार। मीरा रोड ईस्ट के काशी मीरा से एक वीडियो हो रहा है वायरल, ओपन फायरिंग करने शख्स घुसा बेकरी में लेकिन गन नहीं चली, बाल बाल बचे शॉप में काम करने वाले स्टाफ की जान। बेंड्रा ईस्ट BKC से ऑटो फेयर रिजेक्ट करने की कंप्लेंट बढ़ी, शॉर्ट डिस्टेंस फेयर नहीं ले जाते बेंड्रा के ऑटो वाले। BJP विधायक नीतीश राणे ने लगाया गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस और NCP के समर्थ से CM बनने के तुरंत बाद जब उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से मुलाकात की थी तो उन्होंने BJP के साथ दोबारा हाथ मिलाने की पेशकश की थी। थाने में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रूम में छत का स्लैब का हिस्सा धस गया, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर इंडियन फैंस के लिए अच्छी खबर, रोहित शर्मा ने कहा कि बिग क्लैश के लिए शुभमन गिल 99% उपलब्ध रहेंगे। 14 अक्टूबर को होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। राज कुंद्रा को पॉन किंग कहने के कुछ दिन बाद ही उर्फी जावेद और राज कुंद्रा एक साथ काम करने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उर्फी को लोगों ने किया ट्रोल। टाइगर 3 ट्रेलर रिलीज से पहले ही वायलेंट हुए सलमान खान, हाथों में चैन देख लोग बोले शिकार के लिए तैयार टाइगर।